मैं तो अक्षय कुमार सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो राधिका मदान की भी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब क्या बोलूँ, क्योंकि जब भी अक्षय कुमार सर का नाम आता है ना तो लोग खुश हो जाते हैं। मुझे सबकी तरफ मूवी बहुत पसंद आई है। आप अक्षय कुमार की 150वीं फिल्म है, तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 150। मैं अंदर बैठा तो मेरा भी सर फिर गया एक्चुअली मूवी देख के। बहुत ही सोशली रेलिवेंट और थॉट प्रोवोकिंग मूवी बनाई है। मूवी को मैं 4 स्टार्स दूंगा। मुझे सबकी तरफ मूवी बहुत पसंद आई है। आप अक्षय कुमार की 150वीं फिल्म है, तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 150th मूवी। मैं अंदर बैठा तो मेरा भी सर फिर गया एक्चुअली मूवी देख के। मूवी का नाम सरफिरा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका जो एक रीमेक वर्जन था ना, जो मतलब ओरिजिनल बोलो उसको उड़ान सूर्य की, तो वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ पहले। मतलब तो वो देखना ये देखना एक ही बात थी, ऐसा लग रहा था कॉपी पेस्ट है। तो बॉलीवुड वालों की आदत ये पहले से कॉपी करो पेस्ट मार दो बस। अगर इसमें अगर देखना है तो अक्षय कुमार की एक्टिंग देखो, काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है, काफ़ी मेहनत की है, बाकी तो एकदम सेम टू सेम उठा के डाला है। कि मैं तो अक्षय कुमार सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो राधिका मदान की भी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उनकी एक्टिंग, सब कुछ अच्छा है। तो आप आइए देखिए, क्योंकि जब भी अक्षय कुमार सर का नाम आता है ना तो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका हेरा फेरी खिलाड़ी, तो वहाँ से उनका जो जर्नी स्टार्ट होता है, तो नो डाउट कि अक्षय कुमार का नाम लेते सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉमेडी भी कर लेते हैं, वो रोमांस भी कर लेते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं विलन टाइप का भी कैरेक्टर कर लेते हैं, तो बहुत बढ़िया। सिर्फ राधिका मदन मुझे लगता है उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस होती, बाकी मूवी के सभी एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल थॉट प्रोवोकिंग सोशल रिलेवेंट मूवी है, तो मैं 4 स्टार्स दूंगा। अभी देखो जरूरत तो किसी चीज़ की नहीं रहती, पर अक्षय कुमार का कैसा है ना, वो रीमेक किंग है। अभी हर मूवी को मतलब रीमेक करना उसकी आदत हो गई है। पूजा एंटरटेनमेंट को तो उसने बिठा दिया घर पे, अभी इन लोग की भी बारी है लाइन से। तो भाई अक्षय कुमार को यही बोलूँगा, साल में एक दो बार आओ, हर हफ्ते क्या मेहमान की तरह आ जाते हो। अभी नेक्स्ट वीक फिर नेक्स्ट मंथ उनकी फिर से मूवी है। स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी, और इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। निकेत मूवी रही थी कि एडिटिंग शार्प है, 2.5 घंटे की मूवी कहीं आप बोलेंगे। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो पेस्ट है, बट सेकंड हाफ पिक्स अप एंड इट्स वंडरफुल, और क्लाइमैक्स आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, बहुत ही अच्छा क्लाइमैक्स है। तो जो सतीश सूर्या इसके एडिटर हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, म्यूज़िक भी ठीक ठाक है, प्रकाश कुमार, तनिष बागची और सुमित का। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच, हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए। और आई वुड अपील एवरीवन कि आज वेरी फ्यू पीपल टर्न्ड अप शायद बरसात की वजह से, बट ये मूवी देखिए और आप बहुत पसंद करिए। जैसे रीमेक था उन्होंने एक तरीके से किया है, अक्षय कुमार सर अपनी अदा से एक तरीके से और आप सबको वो अपना एंटरटेन करेंगे, तो ज़रूर कोई गलत बात नहीं है। आई लव रेडियो 4।